थैंक यू रवि। और आप सभी का सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि रियली आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आप देखें तो पूरी दुनिया में हर जगह इसकी बातचीत हो रही है। और हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा गट है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो हम बहुत सारे टाइम हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमें कभी शायद ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों से जो बातचीत करूंगी, मैं इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड बातचीत करने वाली हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यों हमारी गट इम्पोर्टेंट है और कितने तरीके के रोल्स प्ले करती है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा लगता है हमें कि हमने खाना खाया और फूड को डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, बस इतना ही। लेकिन शायद उसके पीछे के जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, हमारी बॉडी की पूरी हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट होती है इस डाइजेशन की वजह से, उसको शायद हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और ये बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक रहा है आज तक। लेकिन जैसे जैसे इम्यूनिटी के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को जब ये पता चला कि इम्यूनिटी भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, साथ ही साथ ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका अपने अपना एक अपना नर्वस सिस्टम तक होता है। तो आज देखेंगे आप, पूरी दुनिया में गट हेल्थ की बात हो रही है। मैं शुरुआत करूंगी एक छोटी सी स्टोरी से कि कितना हम इग्नोर करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, इससे शुरू करूंगी। क्या हुआ एक बार, सारे ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, दांत हैं, सारी चीजें हमें काम करते हुए दिखाई देती हैं। तो एक बार सारे सिस्टम्स ने सोचा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पैरों ने कहा कि मैं चल चल के हर जगह जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसा कमाने के लिए हर जगह चल के जाता हूँ, हाथों ने कहा कि मैं खाना बनाने में पूरा काम करता हूँ, मैं घंटों किचन में काम करता रहता हूँ तब जा करके ये खाना तैयार होता है, दांतों ने कहा कि मैं तो इस खाने को पीस पीस के महीन करके तैयार करता हूँ ताकि ये हमारे इसको हम सॉलो कर पाए, आंखें कहती हैं कि मैं देखता हूं तभी ये खाना हम लेकर के आते हैं और खाते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स ने कहना शुरू किया कि हम इतनी मेहनत करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल करके जो ले आते हैं उसको एंजॉय तो ये स्टमक करता है, और ये स्टमक करता कुछ भी नहीं है। तो सारे ऑर्गन्स ने कहा कि चलो हम स्ट्राइक करते हैं। सारे ऑर्गन्स चिल्लाने लगे, स्ट्राइक 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 करने लगे और स्ट्राइक कर दी। अब किसी भी ऑर्गन ने कहा कि स्टमक को हम कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ये बैठे बैठे सारी चीजें ले रहा है, इंजॉय कर रहा है। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, स्टमक को लगा कि फूड नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया क्योंकि उसे थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन बाकी ऑर्गन्स का क्या हुआ, धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगी, सब वीक महसूस करने लगे और लगा कि एनर्जी क्यों नहीं आ रही है। और तब समझ में आया कि ये सारी एनर्जी तो हमारी गट से आ रही थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर की कि हम समझ सके कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो जो भी आप खाना खाते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं, आप बहुत ज्यादा अवेयर्ड हैं, आप इधर उधर के नॉलेज इकट्ठी करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आप सब कुछ लेकर के आते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, हो सकता है आप कुछ सप्लीमेंट्स भी खाते हो, प्रोटीन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो वो सारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके हमारे पूरे बॉडी को देता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये फूड को माउथ से लेकर के जहां हम सॉलो करते हैं वहां से लेकर के, और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके फूड के डाइजेशन का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं वो वेस्ट में निकल जाएंगे अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो। और इसीलिए कहा जाता है कि गट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन माइंड के लिए कैसे हमारा डाइजेशन इम्पैक्ट करता है, अभी आगे हम लोग इसको भी समझेंगे। पहले
पहले समझते हैं कि हमारे गट का माइक्रोबायोम कैसा होता है, हमारे मतलब पेट के अंदर किस तरीके का फ्लोरा होता है, किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो शायद आपने सुना हो कि दो तरीके के बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन कंप्लीट हेल्थ के लिए। और ये बैक्टीरिया को अगर देखें तो ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इतने ज्यादा नंबर्स में होते हैं जितने हमारे टोटल बॉडी में सेल्स भी नहीं होती। तो टेक्निकली कहा जाए तो हम ज्यादा बैक्टीरियल हैं ह्यूमन से भी ज्यादा, क्योंकि हमारे जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया का जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, मेंटल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, वेट मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो और इसके अलावा ये सारी चीजें तो हमने देखी, एक गट फैक्ट आप शायद आपने इसके पहले ना सुना हो कि मेजॉरिटी ऑफ इम्यून सेल्स जो है हमारे हमारे गट के अंदर होती है, हमारे पेट के अंदर होती हैं। तो इसलिए अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो भी हम खा रहे हैं उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, 70% इम्यून सेल्स इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हैं ये मिल करके हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा बनाती है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, इंफ्लामेशन, ऑटिज्म, इन सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हमारे गट के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कई सारे विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेशन कैसा है। ऑटिज्म जैसे बीमारी, यानी कि भूलने की बीमारी, जो आगे चल करके पार्किंसंस में कन्वर्ट हो जाती है या अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमारे जो माइक्रोफ्लोरा है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए आज हम सभी बातचीत कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ। इसके अलावा डायरेक्टली हम देखें तो हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हम फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें वो इसके पहले जो मैंने आपसे डिस्कस की वो उनमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज है, ऐसी चीजें हमें पता होती है कि हाँ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती हैं, उसी में होती हैं। लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हमारी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, हाइपोथायराइडिज्म, सार्कोपेनिया यानी हड्डियों का कमजोर होना, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सही से काम नहीं करने की वजह से होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि गुड हेल्थ बिगिंस इन योर गट, यानी कि आपकी जो अच्छी हेल्थ है आपकी गट से शुरू होती है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स निकाल करके आपके बॉडी को आपका गट ही देता है। साथ ही साथ शायद आपको ये ना पता हो कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी गट है, उसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व जो ब्रेन से डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है, अगर उसको कट भी कर दिया जाए तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास अपना एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको एंटरिक नर्वस सिस्टम यानी कि ENS कहते हैं। और ये जो ENS है यानी आपकी जो गट है और आपका ब्रेन है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि कब हमें खाना खाना है, कब पेट भर गया है, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, फैट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सिक्रेशन, इन सारी चीजों के लिए आपका ब्रेन और आपका गट ये आपस में कम्युनिकेट करता है। और किन चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करता है? हॉर्मोन्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमिटर्स के थ्रू।
और बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि सिर्फ ब्रेन ही है जो कहता है कि हमें कब भूख लग गई, कब हमारा सेटाइटिस सेंटर एक्टिवेट हो गया और भूख खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअली गट एंड ब्रेन दोनों मिल करके जो कम्युनिकेशन करते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके हंगर लेवल और इवन आपके मूड को गवर्न करते हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो आपको चिड़चिड़ापन, मूड खराब होना, लो फील करना, ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कौन सी चीजें, हमने देखा कि हमारी गट इतनी इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं, क्यों हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अगर हम सबसे बड़ा गट किलर देखें तो ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी कि वो दवाएं जो आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। अब इस केमिकल को, इस दवा को ये नहीं पता होता है कि कौन से बैक्टीरिया अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज हमें कम करना चाहिए, जब बहुत जरूरी हो सिर्फ तभी हमें एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। और बहुत बार होता है कि वायरल इन्फेक्शंस में भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, तो हमें जब बहुत जरूरी हो तभी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। क्योंकि जितनी बार, जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए चिल्ला रही होती है, क्योंकि आप अपने इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारी गट को किल करते हैं, लेकिन शुगर के बारे में शायद आपको नहीं पता हो। शुगर एक वो चीज है, जब हम इसे खाते हैं, जब ये हमारी आंतों में पहुंचता है, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पे इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। हमारी आंतों के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो ये शुगर को खाना शुरू कर देते हैं और फर्मेंटेशन करने लगते हैं। फर्मेंटेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बाहर दूध को रख दें या फिर किसी शुगर वाली शुगर सिरप को रख दें और उसको आप बाहर रख दें, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो शुगर होती है उसमें बैक्टीरिया जो है उसको फीड करते हैं और वहां फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। वही फर्मेंटेशन हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी शुरू हो जाता है, और जितना ज्यादा हम शुगर कंज्यूम करते हैं बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ज्यादा शुगर कंजम्पशन से हमारा माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ एल्कोहल जब आप कंज्यूम करते हैं, ये आपके लिवर को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। लिवर वो ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट सिग्निफिकेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए लिवर से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स का डाइजेशन करते हैं। लेकिन जब हम एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिवर को डैमेज करता है, स्टमक को डैमेज करता है और इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। तो जब भी आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस लेवल जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, जो आपके दोस्त बैक्टीरिया है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिनको कॉर्टिसोल्स कहते हैं। कॉर्टिसोल्स का लेवल जब बढ़ता है तो साइटोकाइंस का लेवल बढ़ता है, और साइटोकाइंस वो चीज है जिनका लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये हमारी बॉडी में कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारा माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है। और आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, ब्लोटिंग फील होती है, आपका सही से आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है और मूड भी खराब होता है। तो इसलिए स्ट्रेस जो है ये एक बहुत बड़ा गट किलर है। साथ ही साथ लेस स्लीपिंग आवर्स, जब हम कम सो रहे होते हैं तो भी हमारा जो माइक्रोबायोम है यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो रहा होता है, लेकिन अगर हम कम सोते हैं, हमारे सोने के घंटे कम हो जाते हैं, तो ये माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कभी गैस बनती है, कभी डकारें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कभी ब्लोटिंग फील करते हैं, कई सारे सिग्नल्स, हमारा जो गट है वो हमें बहुत सारे सिग्नल्स भेजता है, लेकिन क्या हम उन्हें सुनते हैं या इग्नोर करते हैं? हमें लगता है ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम उन्हें उसे इग्नोर करते रहते हैं। तो आपकी गट कहती है कि इट्स योर गट स्पीकिंग, तो आपको क्या आप सुन रहे हैं? बिल्कुल। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी गट हेल्थ को, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है बी एक्टिव। जब आप मूव करते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी और मूवमेंट, इन दोनों की वजह से आपका जो फूड है वो आपके इंटेस्टाइन में नेचुरली मूव करता है, आगे की तरफ वो मूव करता है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट वॉक भी करते हैं, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम दिन भर बैठे हुए रहते हैं तो हमारा खाना हमारे इंटेस्टाइन में फंस जाता है, स्टक हो जाता है, और नॉर्मल डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब आप मूव करना शुरू करते हैं आपका डाइजेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है आपसे, प्लीज फीड मी राइट, हमें सही चीजें खिलाओ, हमें जो चीजें चाहिए वो खिलाओ, हमें जंक फूड या शुगरी फूड नहीं, हमें फाइब्रस फूड की जरूरत है, हमें वैसा फीड करो। शुगर, स्टे अवे फ्रॉम शुगर, हमें अपने फूड में मैक्सिमम टाइम प्रोसेस्ड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी आपको शुगर कंज्यूम करनी चाहिए, अदरवाइज शुगर जितना मिनिमम कर सके हम अपने खाने में, और ज्यादा अच्छा है कि अगर आप नो शुगर डाइट को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आपको शुगर लेनी है कभी तो आप रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि गुड़ है या ब्राउन शुगर है, जितनी भी रॉ फॉर्म में शुगर होती है अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, या अपने शेक्स और स्मूदीज बनाते हैं, अपनी पुडिंग्स बनाते हैं, उसमें आप दूसरे शुगर्स जैसे कि अंजीर है, किशमिश है, डेट्स हैं, ऐसी चीजें ऐड करके अगर आप शुगर को रिप्लेस करते हैं, ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जब भी आप खाते हैं तो उनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा मैदा होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, हाई शुगर होता है, और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यानी कि प्रिजर्वेटिव्स, और बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे टेस्ट मेकर्स, टेस्ट इन्हांसर्स, ये सारी चीजें होती हैं। जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्ट इन्हांसर्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, इनको हमारा सिस्टम नहीं पहचानता है क्योंकि ये नेचुरल चीजें नहीं हैं, तो हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही साथ हाई शुगर और ये जो भी आप ट्रांस फैट्स और मैदा, मैदा भी हमारे बॉडी के अंदर जाकर के ये भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी आप रिफाइंड फ्लावर खाते हैं वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई शुगर और हाई ट्रांस फैटी फूड जो होता है वो जा करके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, वहीं से उसमें बदबू आना, गैस फॉर्म होना, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, मोर हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स क्या करते हैं, आप जब अच्छे फैट्स, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं तो ये आपके फूड को आपके एलिमेंट्री कैनाल में ग्लाइड होने में, स्लिप होने में, आगे मूव करने में उसकी मदद करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अगर अपनी इंडियन डाइट में देखें तो हम बहुत सारे ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा अनाज खाते हैं। जब भी आप अनाज खाते हैं, ग्रेन या नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इन सब के अंदर, इन सबको कंज्यूम करने से पहले एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट होता है। और एक्टिवेट कैसे आप कर सकते हैं, उसको सोक करके, भिगा करके जब आप इन चीजों को रख देते हैं 2-3 घंटे, कुछ चीजों को ओवरनाइट सोकिंग के बाद ही जब आप कंज्यूम करेंगे तभी ये एक्टिवेट होते हैं। कैसे एक्टिवेट, क्या एक्टिवेट होने के दौरान क्या होता है, क्योंकि इन सारे ग्रेन्स के अंदर एक एसिड होता है जिसको फाइटिक एसिड कहते हैं। ये फाइटिक एसिड जब हम ऐसे ही कंज्यूम करते हैं तो हमारा डाइजेशन खराब करते हैं, हमें अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें भिगा के रखते हैं और रात भर भिगा के रखते हैं, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपने सुना होगा कि रात भर ओवरनाइट सोकिंग के बाद आपको खाने चाहिए, या जो भी आप अपने दाल है, चावल है, जो भी अनाज है, इनको भी कम से कम 2-3 घंटे जब आप भिगा के रखते हैं
तो इनके अंदर का फाइटिक एसिड, इसको एक एंजाइम होता है फाइटेज एंजाइम, वो इसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से जब आप ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आपका बेटर डाइजेशन होता है, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लोटिंग नहीं होती है। साथ ही साथ और क्या है, कंज्यूम प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स यानी कि जो हमारे आंतों के अंदर जा करके जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनका फूड देता है, उनका खाना बनता है, इसको प्रोबायोटिक फूड कहते हैं। जैसे कि दही है, लस्सी है, छाछ है, पनीर है, ढोकला, या फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, इवन आप कढ़ी, ऐसी चीजें जब भी आप कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें प्रोबायोटिक फूड होती हैं। प्रोबायोटिक फूड का मतलब वो खाना जो आपके आंतों के अंदर जा करके गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करने का काम करता है। तो इन्हें अपने डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। फाइब्रस फूड, जितना ज्यादा आप फाइब्रस फूड खाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जितने भी अनाज हैं, अनाज को आप ज्यादा से ज्यादा आप छिलके समेत उनको रॉ फॉर्म में, जो होता है छिलके के साथ, उनको प्रोसेस्ड फूड में नहीं। जैसे कि अगर आप देखें, मैदा भी गेहूं से बनता है, आटा भी गेहूं से बनता है, लेकिन अगर आप आटा कंज्यूम करते हैं उसके अंदर फाइबर होता है, वो अच्छा बेटर डाइजेस्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए होल ग्रेन्स को कंज्यूम करने की कोशिश करें। फलों और सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में शामिल करें क्योंकि इनके अंदर ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। और जितनी पल्सेस हैं, दालें हैं, छिलके के साथ अगर हम दालें कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत बार होता है कि हम बहुत सिंपल चीजों को इग्नोर कर देते हैं, इन सिंपल चीजों को भूल जाते हैं। पानी पीना भी उनमें से एक है। तो डाइजेशन जो है, हमेशा कितना फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड की प्रेजेंस के ऊपर हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। पानी जब हम पीते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है और उन्हें एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें रेगुलर लगातार थोड़े थोड़े इंटरवल पे पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बहुत जोर से प्यास लगी होती है, यानी जब आपको पानी की जरूरत महसूस होती है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं। तो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से पहले ही उसको हाइड्रेट करने की, लगातार बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अपने डाइट में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को शामिल करिए जो आपकी गट को और हेल्दी बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सप्लीमेंट आता है, ये आता है फाइबर, क्योंकि मैंने कहा आपसे हमें हाई फाइबर फूड कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन बहुत बार होता है कि प्रैक्टिकली हम ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने घरों में आजकल जो भी खाना खा रहे हैं, हम पॉलिश राइस खा रहे हैं, हम पॉलिश दालें खा रहे हैं, हम सब्जियों को छिल करके बनाते हैं, फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। आटा जो हम खाते हैं, पैकेट वाला खाते हैं, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। तो ऐसे हर जगह हम देखें तो फाइबर हमारे डाइट से बहुत कम होता जा रहा है। तो इसलिए फाइबर सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छा हो सके, फूड है आपका जो, वो आपके इंटेस्टाइन में अच्छे से मूव कर सके। और साथ ही साथ जब आप अच्छी मात्रा में फाइबर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ब्लड में शुगर और फैट का जो लेवल है, जो एब्जॉर्प्शन है, उसके रेट को भी कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो रेट होता है जिस रेट से आपके फूड में, आपके ब्लड में कोई भी फूड शुगर को रिलीज करता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ही कम होता है हमारे फूड का, हमारी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो जब आप फाइबर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रखता है। साथ ही साथ एक और सप्लीमेंट अमला की, हरिता की, विविता की, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में त्रिफला भी कहते हैं। त्रिफला एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर इसको देखें तो ये जब आप कंज्यूम करते हैं ये आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम करता है और गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। इसलिए ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ नेचुरल बी विद यीस्ट, अगर विटामिन बी की बात करें तो बहुत बार आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसमें अगर एंटीबायोटिक्स होती हैं तो उसके साथ में आपको विटामिन बी या फिर मल्टी विटामिन का एक सप्लीमेंट देते हैं।
क्यों? उसका रीजन है कि जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी आंतों के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनका भोजन होता है, ये उस पे फीड करते हैं। तो जब आप विटामिन बी लेते हैं, आपके डाइट में विटामिन बी होता है, तो आपके आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ मिल्क थिसल प्लस ये आपके लिवर को और स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी लिवर सेल्स को रीजनरेट करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आपके लिवर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डाइजेशन में लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता रहेगा। साथ ही साथ मल्टीविटामिन न्यूट्रोलाइट डेली आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अदर अगर देखें तो विटामिन बी तो होता ही है, साथ ही साथ अदर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आप देखें तो आपके जितने भी एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अगर हम देखें, तो ये सारे के सारे मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आपके डाइट में मैग्नीशियम की कमी है, तो आप सब कुछ खा रहे हैं, आपके बॉडी एंजाइम्स भी बना रहा है, लेकिन वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पाते सिर्फ एक मैग्नीशियम की कमी से। तो इस तरीके से जब आप मल्टीविटामिन कंज्यूम करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बचे रह सकते हैं। तो लास्ट में मैं कहूंगी, फाइनल थॉट ये है कि आपका जो गट है, मैंने आपसे आज थोड़ी सी बातचीत की, आपका जो गट है, आपका जो इंटेस्टाइन है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये आपको रिटर्न में बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अगर आप हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ चाहते हैं, तो आप अपनी गट से शुरू कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातचीत के साथ मैं अपनी बातचीत को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। और